कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़ा हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी पर जोक कर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बात करेंगे। सभी बहुत खुश हो गए और कहा, कौन सी गेम प्रोफेसर? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, फिर दोस्त पड़ोसियों और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने कहा, उसमें से कोई भी जो आपको कम पसंद वाले 5 नाम है उनको मिटा दो। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने कहा, और 5 नाम मिटा दो। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने कहा, और 10 नाम मिटा दो। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसकी मम्मी पापा, पति और उसके बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इनमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की थोड़ी असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए, उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग घबराए हुए और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और 1 नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद, रोते हुए, अपने बेटे का नाम काट लिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। और प्रोफेसर ने सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी मुंह लटका कर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका नाम तुमने मिटा दिया? और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया? लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं और कुछ ही साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को शायद छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज ही मेरे पति है। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज के साथ लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसका सबसे ज्यादा अजीज होता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।